प्रीमियर प्रो में हम वॉर्प स्टेबलाइजर से अपने शॉट्स में से अनवांटेड शेक्स को हटाकर उनको स्टेडी और स्मूथ बना सकते हैं। अ लॉट ऑफ पीपल नो दिस ऑलरेडी, लेकिन आज हम इस इफेक्ट के रिलेटेड दो ऐसे हैक्स जानेंगे जो बहुत लोगों को नहीं पता। द फर्स्ट हैक विल सॉल्व अ मेजर प्रॉब्लम। बहुत बार वॉर्प स्टेबलाइजेशन काम नहीं करता, अप्लाई करने पर एक अजीब सी वॉबल आ जाती है। इसको टैकल करने हम तीन सॉल्यूशंस अपना सकते हैं। पहले तो एडवांस्ड ऑप्शंस में जाकर फास्ट एनालिसिस से हटकर वी कैन सिलेक्ट डिटेल्ड, एंड फिर ये स्मूथनेस पैरामीटर को कम करके वी कैन चूज एनीथिंग बिटवीन 3 to 10। प्रीमियर अगर 50 पे शॉट को स्टेबलाइज करने की बहुत ज्यादा ट्राई कर रहा था तो अब वो कम हो जाएगा। इसी से कभी कभी वॉबल के हटने के चांसेस बढ़ जाते हैं, बट कुछ केसेस में ये दोनों फेल हो जाते हैं। यहाँ पर कुछ भी कर लो वॉबल आएगा ही आएगा। बहुत लोग फिर हार मानकर शॉट को रिप्लेस कर देते हैं, उसको डिलीट कर देते हैं या फिर वैसा का वैसा ही रहने देते हैं इफ इट इज दी ओनली शॉट दैट दे हैव। उस केस में ब्रह्मास्त्र निकालो। अ सीक्रेट हैक दैट वर्क्स ऑलमोस्ट एवरी टाइम। लेकिन उसके पहले लाइक दिस वीडियो, बिकॉज ये हैक से आपका मत्था फट जाएगा। एज वी ऑल नो, ये इफेक्ट शॉट को एनालाइज करके शेक्स को पहले आइडेंटिफाई करता है। अगर शॉट में कोई मूवमेंट ऐसी हो रही है तो उसको काउंटर करने ये इफेक्ट उस फ्रेम को उसी सेम पैटर्न से ऑपोजिट डायरेक्शन में भेजेगा टू अचीव स्टेबिलिटी। तो अगर अपना कैमरा ऐसे पैटर्न में हिल रहा है तो प्रीमियर उस पे कुछ इस तरीके का काउंटर मूवमेंट लगाएगा। अगर अपना सब्जेक्ट कैमरे से नजदीक है और वो भी मूव हो रहा है तो प्रीमियर उसकी मूवमेंट को भी अनवांटेड शेक्स मान लेता है। वो हमारे सब्जेक्ट को पूरी फ्रेम से अलग नहीं कर पाता, दोनों में डिफरेंशिएट नहीं कर पाता और सब्जेक्ट की मूवमेंट को भी अनवांटेड मानकर उसे भी स्टेबलाइज करने जाता है, एंड उसी वजह से वॉबल्स आते हैं। तो इसको सॉल्व करने हमने सब्जेक्ट को बाकी की पूरी फ्रेम से अलग करना पड़ेगा। सिलेक्ट योर क्लिप, इफेक्ट कंट्रोल्स में आकर ओपेसिटी में से ये पेन टूल उठाकर मैं एक मास्क ड्रॉ करूंगा जो सिर्फ ये दोनों को कवर करे। जितना परफेक्ट हो सके उतना करना है। अगर आपको मास्किंग के बेसिक्स और उसके क्रिएटिव यूजेस नहीं पता तो मैंने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना रखी है, डिस्क्रिप्शन में उसकी और बाकी वीडियोस की लिंक मिल जाएगी। मास्क ड्रॉ करके मैं इन्वर्ट कर दूंगा ताकि ये दोनों फ्रेम से गायब हो जाए। अब जस्ट बिकॉज अपना सब्जेक्ट और कैमरा दोनों मूव हो रहे हैं, हमने मास्क को ट्रैक करना पड़ेगा ताकि स्टार्ट से फिनिश तक ये दोनों दिखे ही नहीं। फॉर दैट वी नीड टू एक्टिवेट दिस मास्क पाथ वाली स्टॉप वॉच। इन ऑप्शंस के थ्रू मैं ऑटोमेटिक ट्रैकिंग नहीं करूंगा बिकॉज इस केस में मुझे इनसे इतने अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिले, बट मे बी आपके केस में काम कर जाए। मैं मैन्युअली ट्रैक करूंगा, इट वोंट टेक मच टाइम। ये ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रैकिंग कैसे करते हैं और इससे क्रिएटिव इफेक्ट्स कैसे लगाई जा सकती है वो सब मैंने मास्किंग वाली वीडियो में कवर कर रखा है। सो एज यू कैन सी मैंने सब्जेक्ट को शॉट से हटा दिया है। थोड़ा बहुत एरर इज फाइन, अगर कुछ ऐसा आ गया है तो चल जाएगा, नॉट अ प्रॉब्लम। अब इस क्लिप पे राइट क्लिक करके नेस्ट कर दूंगा एंड देन आई विल ऐड द इफेक्ट ऑन दिस। बेसिकली हम प्रीमियर को यहाँ पर ट्रिक कर रहे हैं, उसको मूर्ख बना रहे हैं। सब्जेक्ट हटाकर और नेस्टिंग से प्रीमियर को ये लगा कि ये क्लिप ऐसी ही है, इसमें वो दो लोग है ही नहीं। तो प्रीमियर इस वीडियो को स्टेबलाइज सिर्फ इतनी फ्रेम को कंसीडर करके करेगा। फिनिश हो जाने पर गो इनसाइड द नेस्टेड सीक्वेंस, डिसेबल द ओपेसिटी इफेक्ट टू गेट योर सब्जेक्ट बैक। बाहर आ जाओ एंड देयर यू गो, अपना हैक परफेक्टली काम कर रहा है। ये और भी बेटर हो जाएगा इफ वी रिड्यूस द स्मूथनेस टू मे बी 25 or 30। अब एक इंपॉर्टेंट चीज, सब्जेक्ट वापस लाने पर प्रीमियर को क्लिप में चेंजेस दिखेंगे एंड इसीलिए वो रीएनालाइज का ऑप्शन देगा, इसको मत दबाना। एनालिसिस वापस करके पुराना डेटा जो इसके लिए यूज हुआ था वो उड़ जाएगा एंड स्टेबिलाईजेशन में ये दोनों कंसिडर होकर वापस से वॉबल्स आ जाएंगे। So do not press this. So that was the first hack. कमेंट करके बताओ कि कैसा फील हो रहा है ऐसी बात जानकर जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई। अब दूसरे हैक पर जाने से पहले लेट मी क्विकली इंट्रोड्यूस द स्पॉन्सर ऑफ टुडेज वीडियो, हिटपॉ वीडियो कन्वर्टर। Hitpaw is a company that is specialized in AI and its mission is to provide effective tools for everyone. आपको पता होगा कि Premiere Pro में हम MKV format की video files import नहीं कर सकते because that is unsupported. लेकिन Hitpaw video converters है, आप easily उनको MP4 या फिर MOV या फिर कोई भी supported format में convert कर सकते हो। Resolution के लिए you can select same as source, यानी आपकी video अगर 4K या 8K में है तो same resolution में ही बाहर आएगी, या फिर you can select some other option from this list. It easily solves the problem and the best part is, ये पूरा कन्वर्जन लॉसलेस होता है जिसकी वजह से यू वोंट सी अ ड्रॉप इन क्वालिटी। आप ऑडियो फॉर्मेट्स को भी एक से दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हो। बैच प्रोसेसिंग के थ्रू आप एक से ज्यादा वीडियोस को सेम या फिर अलग अलग फॉर्मेट्स में कन्वर्ट कर सकते हो। नाउ लेट्स से कि आपके एडिटिंग सॉफ्टवेयर वाली एक्सपोर्टेड वीडियो की साइज काफी बड़ी है, तो अगर आप ऐसे कैसे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर डालोगे तो वो काफी गंदे तरीके से इसको कंप्रेस करते हैं एंड उसी वजह से क्वालिटी में बहुत ज्यादा ड्रॉप आ जाता है। तो पोस्ट करने से पहले आप खुद इस सॉफ्टवेयर में वीडियोस को कंप्रेस कर सकते हो। अपनी ओरिजिनल 4.9 GB की है, यहाँ से यू कैन सिलेक्ट द आउटपुट फाइल साइज।
एंड उसका एस्टिमेशन आपको यहाँ पर दिखेगा। अगर और भी ज्यादा कंट्रोल चाहिए तो यू कैन क्लिक ऑन दिस सेटिंग्स आइकन। अगर हम ये सब खुद से करके सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं तो फिर इंस्टाग्राम और यूट्यूब हमारी वीडियोस को उतना हैवीली कंप्रेस नहीं करते, जिसकी वजह से क्वालिटी डिग्रेड नहीं होती। इस सॉफ्टवेयर में और भी बढ़िया फीचर्स है, जैसे यहाँ पर आप बेसिक एडिटिंग कर सकते हो एंड देन इधर आपको और भी नेक्स्ट लेवल के टूल्स मिलेंगे, नॉट जस्ट फॉर वीडियो बट फॉर इमेजेस एंड ऑडियो फाइल्स एज वेल। जैसे वोकल रिमूवर AI की मदद से किसी भी गाने में से वोकल्स और म्यूजिक को अलग अलग कर सकता है। बैकग्राउंड रिमूवर AI को यूज करके इमेजेस में से सिर्फ सब्जेक्ट को रखकर बैकग्राउंड हटा देता है। यू कैन देन एक्सपोर्ट इट एज PNG या फिर इसी में एक सॉलिड कलर या फिर एक कस्टम बैकग्राउंड लगा सकते हो। सो ये सॉफ्टवेयर बहुत ज्यादा यूजफुल है बिकॉज ऑफ इट्स मल्टीपल फंक्शनैलिटीज। इसके और भी फीचर्स आपने एक्सप्लोर करने हैं तो यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द लिंक्स इन द डिस्क्रिप्शन। कोई भी टाइप के एक्सपोर्ट्स के लिए आपको लाइसेंस परचेज करना पड़ेगा। नाउ लेट्स गेट बैक टू आवर वीडियो। हैक नंबर 2, लेट्स से यू आर अ सोलो फिल्म मेकर एंड आपके मेजॉरिटी शॉट्स में द मेन सब्जेक्ट इज यू। ट्राइपॉड पे शूट करने की वजह से शॉट्स में कोई नेचुरल मूवमेंट नहीं होगी, बट यू वांट टू मिक्स इट अप। कुछ शॉट्स में जानबूझकर आपने एक हैंडहेल्ड मूवमेंट ऐड करनी है ताकि ऐसी फीलिंग आए कि कोई और आपको फिल्म कर रहा है। अ लॉट ऑफ द टाइम्स दिस हैंडहेल्ड मूवमेंट कैन ऑल्सो सपोर्ट द स्टोरी। अगर आपका कैरेक्टर टेंशन में है और अनइजीनेस फील कर रहा है, उसके दिमाग में कोई केओस चल रहा है, तो सिनेमेटोग्राफी के थ्रू हैंडहेल्ड मूवमेंट से आने वाले शेक्स ऑडियंस को भी एक अनकंफर्टेबल वाइब में डाल सकते हैं। अब पोजीशन की फ्रेम्स के थ्रू अगर आप अपने शॉट को एनिमेट करने बैठोगे तो पहले तो बहुत टाइम लगेगा एंड मूवमेंट काफी रोबोटिक और अननेचुरल लगेगी। सो द बेस्ट वे इज कोई ऐसा शॉट ले आओ जिसकी हैंडहेल्ड मूवमेंट आपको अच्छी लगती है। राइट क्लिक नेक्स्ट। अब इसके ऊपर वॉर्प स्टेबलाइजर इफेक्ट लगा दो। तो अगर अपना कैमरा ऐसे पैटर्न में हिल रहा है तो प्रीमियर उस पे कुछ इस तरीके का काउंटर मूवमेंट लगाएगा। स्टेबलाइज होने पर इसके अंदर चले जाओ, डिलीट द रेफरेंस क्लिप एंड अपना स्टैटिक ट्राइपॉड वाला शॉट रख दो। बाहर आ जाओ एंड डोंट क्लिक ऑन एनालाइज बिकॉज हम पुराना डेटा ये काउंटर मूवमेंट अपने ट्राइपॉड शॉट पर लगाना चाहते हैं। इस पर क्लिक करने से वो उड़ जाएगा। प्ले दिस एंड यू विल गेट अ रियलिस्टिक हैंडल मूवमेंट ऑन योर स्टैटिक शॉट। इस बात का ध्यान रखना कि आपके शॉट का ड्यूरेशन रेफरेंस क्लिप के बराबर या उससे कम हो। ये इसलिए बिकॉज लेट्स से आपकी रेफरेंस क्लिप 5 सेकंड की है एंड आपका ट्राइपॉड शॉट 7 सेकंड्स का, तो हमारे पास डेटा सिर्फ 5 सेकंड्स को कवर करने के लिए ही होगा, बाकी के 2 सेकंड्स के लिए दिक्कत आ सकती है। सो दैट इज इट फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। कीप क्रिएटिंग एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।